बट और अच्छा हो सकता था। फाइनली ऐसा कुछ जो बोल सकता है कि अच्छा। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। एंड ये व्लॉग होने वाला है एक फूड व्लॉग। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, आई एम हियर टू सेलिब्रेट माय प्रमोशन एट वर्क। तो मैं मेरे प्रमोशन की यहाँ पे मैं पार्टी करने वाली हूँ। इट्स गोइंग टू बी डिनर पार्टी फॉर मी एंड माय फैमिली। तो एक छोटू सा बस ऐसे ही खाने पीने का मन था। एंड लगभग 3 महीने तक मैं बेड रिडन थी। लाइक आई वॉज इन अ कास्ट, मेरे पैरों में प्लास्टर लगा हुआ था, लेग फ्रैक्चर हुआ था। तो मैं कहीं बाहर नहीं गई थी ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर 3 मंथ्स मैं कहीं बाहर निकल रही हूँ। तो घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी बाहर के खाने की। आई एम हियर एट द ग्लोब्स कैफे एंड डाइनिंग। खुला है ना रेस्टोरेंट? कितने बजे तक ओपन रहता है वैसे? 10:30 बजे तक खुला रहता है। So I was super excited for today's dinner because 3 महीने के बाद कहीं बाहर खाने आई हूँ। एंड जो लोग नहीं जानते तो उनको बता दूँ, ये क्लोव्स एंड हबीब हेयर एंड ब्यूटी सलोन यहीं लोकेटेड है, एक साथ सुभाष पार्क के बिल्कुल सामने, लाइक गौड़िया मठ के ऑपोजिट वाली रोड पे ये कैफ़े आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे इंटीरियर्स हैं इसके। एंड टुडे स्पेशल वाला मेन्यू भी यहाँ बाहर लगा हुआ है, ये हमेशा इनके यहाँ लगा होता है। एंड नाउ लेट्स गो इनसाइड। सो गाइज, आई एम हियर एट द क्लोव्स कैफे एंड डाइनिंग। सो द इंटीरियर्स आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। आई एम टोटली इन लव विद द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला था यहाँ पे डाइनिंग करने का। तो विल चेक आउट कि फूड का टेस्ट कैसा है। सो दिस गोइंग टू बी अ फूड व्लॉग कायदे से। तो मैं देखूंगी कि यहाँ का खाना मुझे कितना पसंद आता है। एंड आई विल रेट इट एज वेल फॉर यू गाइज, ताकि आप लोग अगर कभी यहाँ आओ तो आप लोग को एटलीस्ट एक आइडिया हो कि क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या नहीं। To be very honest, I absolutely love the interior of this place, क्योंकि हमारे छोटू से होम टाउन में DDU नगर में इतना अच्छा रेस्टोरेंट कहीं भी नहीं है। लाइक इतना अच्छा एम्बियंस रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं। मेन्यू एंड रेट तो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई हैं हमारे शहर के हिसाब से, इसके रेट थोड़े ज़्यादा हैं जो कि मुझे लगा। आई डोंट नो इफ द फूड इज़ गोइंग बी वर्थ इट और नॉट। तो एक्चुअली हम यहाँ पे आए थे अपने ब्रदर के एंगेजमेंट की पार्टी करने के लिए, बट इस तरह की पार्टीज यहाँ पे नहीं होती हैं। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हो आप इस जगह पे। सो या खाने का ऑर्डर प्लेस कर दिया है एंड नाउ लेट्स सी क्या होता है खाने में। वी आर वेटिंग फॉर द फूड हियर। पापा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। पापड़ खा रहे हैं? हाँ, शाही टुकड़ा भी कर दिया। तो मेरे प्रमोशन की खुशी में ये पार्टी है। पापा आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पे? बहुत बढ़िया, वैसे ही पापा की जगह अच्छा लगा था ना। मम्मी मेरी लटकाई बैठी है। एंड आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 3+ months मैं ऐसा ड्रेसअप होके कहीं बाहर निकली, इतना अच्छा फील हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। तो कैसा लग रहा है राजा तुमको यहाँ पे? अच्छा तो लग रहा है, बट देखते हैं खाना कैसा टेस्ट है। अच्छा, खाने का वेट हो रहा है ना? स्टार्टर का वेट हो रहा है। सो हियर्स आवर फूड, ये है चिली चिकन ड्राई। ठीक है, आप सर्व कर दीजिए। मी पापा एंड भाई हम खाएंगे मीट मुर्गा, बिकॉज सब्जियों पे तो अपने पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। वेजी फूड तो हम घर पे भी खाते हैं, तो बाहर आई मेक श्योर कि जब मैं बाहर कहीं खाने जाती हूँ ना, तो आई मेक श्योर कि मैं नॉन वेज ही खाऊं, बिकॉज वेज पे अपने पैसे बर्बाद करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। तो हमने यहाँ पे कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर किए हैं। मुझे एक्चुअल में मेन कोर्स खाने का बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं है, मुझे स्टार्टर्स ही पसंद है। तो आई प्रेफर हैविंग स्टार्टर्स, मतलब स्टार्टर्स से मेरा पेट भर जाता है। मैं इतनी ज़्यादा मेन कोर्स खाने में इंटरेस्टेड नहीं होती। और यहाँ पे आ गया है मम्मा का पनीर टिक्का। एंड हम जो खा रहे हैं वो है ड्राई चिली चिकन। सो नाउ इट्स टर्न टू टेस्ट द फूड। और हम नॉन वेज भी ट्राई करेंगे एंड वेज भी थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे मम्मा की प्लेट में से निकाल निकाल के। तो या
खाजा कैसा लगा तुमको? चिली चिकन अच्छा है बट और अच्छा हो सकता है। ये क्या है? वहाँ वाला बहुत टेस्टी है। स्वीट टेस्ट आ रहा है। हाँ, ये होना नहीं चाहिए। बट सदियों के बाद जैसे लग रहा बाहर का लोग है। People staring, so it was like really awkward for me. तो मैं मतलब दिल खोल के जो अपना फीडबैक शेयर नहीं कर पा रही थी जो भी मेरा जो भी एक्सपीरियंस था बट ओवरऑल लाइक एम्बियंस वाइब ऑफ दिस प्लेस आई लिटरली लव्ड इट बट फूड का टेस्ट आई डिडंट लाइक इट दैट मच मतलब टेस्ट वाइज थोड़ा सा मुझे कम लगा। स्टार्टर्स खा लिया मेन कोर्स का वेट कर रहे हैं। मैं तो जैसे लग रहा जन्मों के बाद बाहर का खाना खा रही हूँ। माय गॉड सो इट्स टाइम फॉर सम मेन कोर्स नाउ। कुछ ग्रेवी वाला आइटम ऑर्डर किया वेज एंड नॉन वेज दोनों में एंड देन सम बटर नान एंड विल टेस्ट इट। देखते हैं कैसा है। ये है मुर्ग लाहौरी एंड ये है चिली पनीर एंड ये इनका बटर नान। Feel I belong in the light. Passion has gone. So we ordered some veg fried rice as well in the main course. Yeah, murg lahori. Spicy bahut kam hai. Salty bhi nahi. And salt भी कम है। salt छिलकते छिलकते हाथ से but still salty नहीं है। नमक छिड़कते छिड़कते हम लोगों के हाथों में दर्द हो गया फिर भी नमक नहीं हो पा रहा इसमें। अगेन चिली पनीर स्वीट है जैसे चिली चिकन स्वीट था चिली पनीर भी स्वीट इन टेस्ट। मतलब पहली बार मैं स्वीट चिली चिकन स्वीट चिली पनीर खा रही हूँ। मुर्ग लाहौरी ठीक है मतलब ओके ओके ही है नॉट दैट ग्रेट। फ्राइड राइस काफ़ी अच्छा था बट वी डिडंट लाइक एनी अदर चाइनीज डिशेज लाइक जो चिली पनीर एंड चिली चिकन ऑर्डर किया था वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया बिकॉज वो काफ़ी स्वीट था टेस्ट में जो कि वियर्ड था एक तरीके से क्योंकि चिली चिकन तो स्पाइसी होना चाहिए होता भी है। मी एंड भाई हम बिजी थे फूड को क्रिटिसाइज करने में वेर एंड पापा को तो सारा खाना इतना ज़्यादा पसंद आया कि क्या बताऊँ। एंड ये रहा हमारा डेजर्ट जो कंक्लूड द डिनर पार्टी। शाही टुकड़ा के बारे में क्या कहना है आपको? सारे डिश से बेटर यही है। अच्छा बेटर है ये। चलो अच्छा शुक्र है। पागल हो। शाही टुकड़ा अच्छा है। फाइनली ऐसा कुछ जो बोल सकता है कि अच्छा कैसा लगा पापा? कैसा लगा पापा आपका शायद? पापा बहुत खुश है। मेरे प्रमोशन की पार्टी कैसे लगी आपको पापा?
एक किस और खिलाओगे तो बता। कैसी थी मेरे प्रमोशन की पार्टी? आप मेरे प्रमोशन से खुश हैं या नहीं? मोर बच्ची तो पापा ने बोल दिया जुग जुग जिया मोर बच्ची। तो और खाना है एक ये शाही टुकड़ा क्या फुल प्लेट में चार थे या अलग? एक में चार आएगा तो एक प्लेट आप और कर दीजिए शाही टुकड़ा। एक पीस अकेले नहीं देगा, बाकी पैक कर देंगे ना, बाकी पैक करवा देंगे। एक प्लेट और कर दीजिए, एक पीस पापा को। तुम खाओगे अभी एक और? मम्मी तुम खाओगे एक और? तीन पीस उसमें पैक कर दीजिए और एक दे दीजिए पापा को। एक पीस और खिलाओगी तब बताएंगे। अच्छा अच्छा, पापा को बहुत अच्छा लगा। एक प्लेट और खाएंगे पापा अभी। पापा एक और पीस शाही टुकड़ा खा रहे हैं। सो ओवरऑल इट वॉज ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज ओके। कैसा लगा पापा डिनर? मजा आ गया। अच्छा हाँ, तो सही था, हम लोगों ने एंजॉय किया डिनर और एक से एक टेस्टी चीज। पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे सो लगा ओकेश प्राइस देख के जो भी बिल आया। एंड आज का वीडियो यही एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।